ओशो के ऊपर अभी तक जितने भी लोगों ने रिसर्च किया वो भ्रम में पड़ गए। उन्हें ओशो के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चली जिसने उन्हें परेशानी में डाल दिया। ओशो के ऊपर कितने आरोप लगे इसकी कोई गिनती नहीं है, और ये समस्या हर उस आदमी की है जिसने ओशो को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ओशो को पढ़ने वाले दो पार्ट में डिवाइड हो ही जाते हैं। पहले पार्ट के लोग, हालांकि इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, ये लोग ओशो से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये ओशो को भगवान मानने लगते हैं, और ओशो के अलावा इनके जीवन में कोई ऐसा प्रकाश पुंज नहीं रह जाता जिसे ये अपने रास्ते का पथ प्रदर्शक बनाएं। और दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो ओशो को इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब ये तर्कवादी ओशो को तर्क से समझने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ओशो की कई किताबें पढ़ी हों तो आपने भी ये पाया होगा कि पहली किताब में ओशो ने जिस बात का बहुत ही जोर से समर्थन किया है उसी बात का दूसरी किताब में उतनी ही कड़ाई के साथ विरोध भी किया है। और फिर जब कोई तर्कवादी विज्ञानवादी व्यक्ति ओशो को पढ़ता है तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ओशो की इस बात को पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने। अभी तो वो इसे पॉजिटिव कह रहे थे और अब नेगेटिव कह रहे हैं। अगर आपने ओशो की एक किताब कृष्ण मेरी दृष्टि में पढ़ें तो आपको भी लगेगा कृष्ण अद्वितीय हैं। यहाँ तक कि उस पुस्तक में स्वयं ओशो ने कृष्ण को परमात्मा घोषित कर दिया है। कृष्ण के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उन सारे आरोपों का खंडन ओशो ने बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से किया है। सच कहें तो ओशो अपने पूरे जीवन काल में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्रभावित हुए तो वो श्री कृष्ण थे। अगर ओशो के जीवन का व्यवहार किसी से मिलता जुलता है तो वो श्री कृष्ण से मिलता है। लेकिन एक बार ओशो से किसी ने एक सवाल किया कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में क्या अंतर आप समझते हैं, तो ओशो ने अपने उस वक्तव्य में भारतीय संस्कृति की बहुत ही कड़ी आलोचना की है, और अपने वक्तव्य में उन्होंने श्री कृष्ण का काफ़ी मजाक उड़ाया है और हिंदुओं के पूज्य श्री राम का भी काफ़ी मजाक उड़ाया है। ओशो ने कृष्ण के कृत्यों की घोर आलोचना की है अपने इस संवाद में। और फिर जब कोई ओशो की कृष्ण स्मृति पढ़कर ओशो का ये वक्तव्य सुनता है या पढ़ता है तो वह बहुत ही परेशानी में पड़ जाता है कि ओशो की कौन सी बात मानूं, और इस वजह से ओशो पर द्वैतवादी होने के काफ़ी आरोप लगते हैं। ऐसे ही ना जाने कितनी बातों का ओशो एक जगह समर्थन करते हैं और दूसरी जगह घोर विरोध करते हैं। अभी मैं ओशो की गीता दर्शन भाग दो पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बाल विवाह की काफ़ी तारीफ की है। बाल विवाह किस तरीके से सही था, बाल विवाह की अच्छाई के बारे में ओशो ने बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन यही ओशो अपनी बुक सेक्स टू सुपर कॉन्सियसनेस में और नए भारत की खोज में बाल विवाह के काफ़ी कड़े आलोचक रहे हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो ओशो को समझने में काफ़ी मुश्किल खड़ी करती हैं। ओशो के इस गुण पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। ओशो द्वैतवादी क्यों थे, ओशो की बातों में द्वैतवाद क्यों नज़र आता है इस बारे में, और ओशो ने भी स्पष्ट किया है अपने इस क्वालिटी के बारे में। मैंने बहुत सारी ओशो की बुक्स पढ़ी और तब जाकर उनकी इस क्वालिटी के मनोविज्ञान के बारे में मुझे पता चला। इस टॉपिक पर कि ओशो द्वैतवादी क्यों थे, ओशो की बातों में द्वैतवाद क्यों नज़र आता है, इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।